पिशावर में शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए बस रैपिड सर्विस पर अगस्त के महीने में काम शुरू करने का ऐलान किया गया था। चमकनी से हैदराबाद के कैंसर अस्पताल तक 31 स्टेशन इसमें बनने हैं। इस मनसूबे में शहर के अंदर और यूनिवर्सिटी रोड पर वाकई अंडरग्राउंड पासेस भी मुतासिर हो रहे हैं। अंडरग्राउंड दुकानों के मालिकान को यकीन दहानी कराई गई थी कि पहले इनके लिए मार्केट बनाई जाएगी, तहम अब उन्हें मार्केट खाली करने और बाद में जगह बनाने पर कहा जा रहा है। तहम नजरबाग में होने वाली मार्केट पर माहदे की पासदारी न होने पर अब ताजिर बरादरी सुबह हुकूमत पर यकीन करने को तैयार नहीं। इसको भी ये कहता है कि आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, पहले वादा खिलाफी तो यही है, ले हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। फिर के पहले मार्केट हमने नहीं बनाया तो हमने दुकान नहीं छोड़ेंगे। ये कम से कम 50-60 दुकानें हैं इसमें। ये हमारे पूरी मार्केट का वादा है आपस में कि हम यहाँ पे अपनी जान दे देंगे, पर ये दुकानें तब तक खाली नहीं करेंगे जब तक हमें इसकी एवज दूसरी मार्केट ना दी जाए। रैपिड बस सर्विस की माहौलियाती और समाजी असरात से मुतालिक जर्ज रिपोर्ट में सूबाई हुकूमत ने इस बात का इतराफ किया है कि हशनगरी और फिरदौस में वाकई गुजरगाहें मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी, जहां से लाखों अफराद रोजाना अंदरून शहर जाने के लिए रास्ते इस्तेमाल करते हैं। आम शहरी भी इस मनसूबे पर शहरियों के लिए मुतबादिर रास्ता न होने पर परेशान है। बहुत रश है तो इसके लिए बहुत मुश्किल होगी, हादसात होगी, एक्सीडेंट होगी, तो बूढ़ो लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, तो ये बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ से सारे लोग शहर को, ये एक गेट वे हैं शहर को, यहाँ पर बहुत महफूज तरीके से आते भी हैं और जा भी सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के तावन से बनने वाले इस मनसूबे पर अगस्त के पहले हफ्ते में काम शुरू किए जाने का इम्कान था, ताहम अब ताजरों की जानिब से मज़ाहमत पर इस मनसूबे पर अगस्त के तीसरे हफ्ते में काम मुतवक्को है। कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ नुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।